तेरा शुक्र हो गैरिस, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तेरे नाम की हमद और सताइश, तुझे कदूस 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 कहते हैं खुदावंद। आज का कलाम जिंदगी बख्श कलाम, हमारी जिंदगियों में एक नया तजर्बा, एक नया मसला हो खुदावंद, एक नई रूह के बारे में हम सीख सकें गैरिस। तेरे बंदा के लिए खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करते हैं, जब वो तेरे कलाम को खुदावंदा यहाँ पर पहुँचाता है तो लिख खुदावंदा तो उसके होंठ और ज़ुबान का जुमा लेना प्यारीस, सुनने वाले कान और समझने वाला दिल दे खुदावंदा, 100 गुना फल लाए खुदावंदा। इस कलाम के वसीला से हम जिंदगियों को खुदावंदा तब्दील कर सकते हैं और अपनी जिंदगियों पर गहरा असर करते हैं खुदावंदा। तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत को हासिल करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए, खुदा के बंदा के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। पास्टर काशिफ को दावत देंगे कि वहाँ खुदा के जिंदा कलाम को पेश करें। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के लिए। और जोर से, बादशाहों के बादशाह के लिए, राजाओं के राजा के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्लीज तशरीफ रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है आज हम सब यहां मौजूद हैं और खुदा के कलाम को सीखने को है। खुदा के हजूरी में जब भी कोई आया है उसने बरकत पाई है। खुदा के पास जब भी कोई आया है उसने गुनाहों से रिहाई पाई है। खुदा के पास जब भी कोई आया है उसने हर तरह के बोझ से मखलसी पाई है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इंसान जब बनाया गया बागे अदन में तो उसके पास इब्लीस आया, और जब इब्लीस आया उसने हवा को वरगलाया, हवा ने आगे उसी गुनाह को ट्रांसफर करते हुए आदम को वरगलाया, और इस तरह दुनिया के अंदर गुनाह जो है वो वजूद फजीर हुआ। ऐसा ही है जी। सो हवा ने झूठ बोला, हवा ने जो है उस बात को ट्रांसफर किया, और हम देखते हैं इब्लीस उसके पास आया, इब्लीस ने उसे जो है वरगलाया, और इन तमाम तर बातों से इंसान जो है वो खुदा की हजूरी से निकल गया। और जब इंसान खुदा की हजूरी से निकल गया तो मुख्तलिफ किस्म के गुनाह उसकी जिंदगी में जो है वो सर उठाने लगे, और हम देखते हैं एक बात जो बार बार वहाँ पे नज़र आती है अदन के अंदर। खुदा आता है और आके पूछता है कि तुझे किसने कहा कि तू वो फल खाए, और आदम क्या कहता है? आदम कहता है मुझे हवा ने कहा, जो औरत तू मेरे लिए लाया, जो तूने मेरे लिए बनाई, उसने मुझे ये कहा तो मैंने खाया। और उसके बाद जब हवा से पूछा गया, हवा ने क्या कहा? मुझे सांप ने कहा, इब्लीस ने कहा, हाँ जी, और मैंने खाया, उसने मुझे वर्ग लाया और मैंने खाया। यहाँ पे एक बड़ा गुनाह
जिसे हम कहते हैं ब्लेम गेम, आज के दौर में वो खेली जा रही है। कोई भी अपने ऊपर उस बात को लेने को तैयार नहीं है कि मैंने गुनाह किया, बल्कि इंस्टेड ऑफ दिस कि वो इस बात को माने, इस बात को एक्सेप्ट करे, वो कहता है मैंने, उसने एहसन ने मुझे कहा तो मैंने ये गुनाह किया। हाँ जी, या इसी तरह कहें कि बहन सोफिया ने मुझे कहा तो मैंने गुनाह किया। भाई आपके अंदर खुदा ने अकल रखी है, समझ रखी है, दिमाग रखा है, आपने उसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया? सो आज का टॉपिक जो है वो है मसीह की मानिद बनो। अगर ये पॉसिबल है तो एक माइक बहन को दे दें, वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगी हवाला जात को। ये वाला माइक दे दें। जी जी, ये वाला दे दें, ये फर्स्ट माइक है, ऑन कर दें इसे। जी शुक्रिया। सो मेरे साथ खोलिएगा फिलिपियों उसका पहला बाब और 27 आयत। फिलिपियों पहला बाब 27 आयत। खुदावन के कलाम में मरकूम है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मौफिक रहे, ताकि ख्वा मैं आऊं और तुम्हें देखूं, ख्वा ना आऊं तुम्हारा हाल सुनो, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जान फिशानी करते हो। आमीन। पलूस रसूल फिलिपियों से बात करते हुए इस बात को कह रहे हैं, और इस वक्त जो इनकी हालत है ये कैद में है, और कैद में होते हुए भी ये कितनी अच्छी बातों को कर रहे हैं। कहते हैं सिर्फ ये करो, क्या करो, कि तुम्हारा चाल चलन कैसा हो जाए, और अगर ये कहा जाए कि हमारा चाल चलन कैसा है तो ये एक सवालिया निशान होगा हमारी अपनी जिंदगी पे। एहतसाब करने की जरूरत होगी, अपने आप को जज करने की जरूरत होगी, अपने आप को चेक करने की जरूरत होगी कि मेरा चाल चलन कैसा है। क्या मैं मसीही हूँ? क्या मैं मसीह की मानिद चलता हूँ? मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ, मैं अहद कर चुका हूँ कि मैं तेरी हजूरी में वफादारी के साथ चलूँगा। मैं ये कह चुका हूँ कि मैं अपने गुनाहों से फिरता हूँ, मैं अपने बुरे कामों से मुड़ता हूं, लेकिन स्टिल मेरा चाल चलन कैसा है? कोई दूसरा मुझे नहीं बता सकता, कोई दूसरा मुझे ये नहीं समझा सकता कि आप यहां पे गलत हैं। पलूस रसूल कहते हैं कि हर कोई दूसरे बाब में अगर हम देखें तो लिखा है हर कोई दूसरे के हवाल पे भी नजर रखे, पहला अपना ठीक करने की लोड़ है। जब तक हम मसीह की मानिद नहीं होते तब तक हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं? लिखा है हर कोई सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो जाए। हाँ जी, मुआफिक रहे, चलता रहे कंटिन्यूसली। ये नहीं कि आज हमने मुकम्मल कर लिया है तो कल हमने छोड़ देना, कंटिन्यूसली
हमें इस पे गौर करने की ज़रूरत है, कंटिन्यूसली इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हर रोज़ जब हम सुबह उठें, हर एक पहर में, जब रात को हम सोने को लेटते हैं, तो हमारा चाल चलन, जब हम मेडिटेशन करें ना, तो हमें पता हो, नहीं जी, मैं आज के दिन को मैंने मसीह के मुताबिक गुजारा है। लेकिन मसला दरपश ये है कि हम अपनी अपनी बातों में, लिखा है फिलिपियों 2:21 आयत में, सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना के साडा यसू वल ध्यान ही नहीं, हमारा ध्यान यसू से हट गया है, हम दुनिया पर गौर कर रहे हैं, दुनिया के कामों पर गौर कर रहे हैं, हम अपने आप को मसीह की मानिंद नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस तरह हो गए हैं कि हम दुनिया की मानिंद हो गए हैं। और यसु मसीह ने क्या कहा था, दुनिया की मानिंद, पर हम कैसे बन गए हैं जी, हम दुनिया की मानिंद बन गए हैं। आज अपनी अपनी फिक्रें अगर हम यसु को दे दें, अगर आज हम अपने आप को यसु को दे दें, तो दिन ब दिन हर रोज हम उसमें ग्रो करेंगे। हम अपनी फिक्रों से निकलकर अगर यसु मसीह पर फोकस कर लें, तो सब कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा। आमीन। हम अपने चाल चलन को दुरुस्त कर लें, मसीह की मानिंद कर लें, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मसला यह है कि हम अपने चाल चलन को दुरुस्त कैसे करें, क्योंकि हमें तो अपनी अपनी फिक्र है कि शाम को घर में क्या लेके जाना है, शाम को खुदा के हजूर में झुकने से बेहतर है कि मैं कहीं दो वक्त जो है ना, दो घंटे जॉब कर लूं, तो मेरे घर का गुजर बसर होगा। इंसानी फिक्रों से बाहर निकल के यसु मसीह की तरफ तवज्जा करने की जरूरत है। मत्ती की इंजील उसके 6:31 आयत में लिखा है, आखिरी आयत जो है वहां मरकूम है, कि कल की फिक्र ना करो। हम कल की फिक्र में हैं, हम नेक्स्ट डे की फिक्र में हैं, ना कि इस बात की फिक्र में हैं कि हम यीशु जैसे हो जाए, हमारा करैक्टर, हमारी सोच, हमारा उठना, हमारा बैठना यीशु की मानिंद हो जाए। हम इस फिक्र में हैं कि हम नेक्स्ट डे के बारे में सोचें, या दूसरों के बारे में सोचें, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या समझते हैं, कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। हम इस गौर पे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि दूसरा गुनाह कर रहा है और हम अपनी रूहानी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। पादरी साहब ऐसे है कि मैं उसे पहले ठीक करूंगा, मुझे तो पता है रास्ते का कि यीशु मसीह की तरफ मैंने चलना है, लेकिन इंतहाई अहम यह है कि मैं पहले उसे दुरुस्त कर लूं। एक बारी इनू ठीक करने लिए मैनू टेढ़ा होना पड़ेगा, मुझे टेढ़ा होना पड़ेगा, मुझे गलत होना पड़ेगा, ताकि मैं उसे दुरुस्त कर लूं। लेकिन ऐसा नहीं है। लिखा है मत्ती की अंजील में, अरेयाकार, पहले अपनी आंख में से तू शहतीर निकाल, पहले अपने आप को दुरुस्त कर ले। हमारे ऊपर ये वाजिब नहीं है कि पहले हम दूसरे को दुरुस्त करें,
हम पे ये वाजिब है कि हमारा चाल चलन पहले दुरुस्त हो, लेकिन हम दूसरों को दुरुस्त करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, हम दूसरों को गाइड करने के लिए। मैंने कुछ दिन पहले मैं एक जगह बैठा वो विजिट के लिए, तो वहाँ बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा जी अगर हमें एक आयत आती है ना तो हम वही एक्सप्लेन करते रहेंगे, दूसरों को वही बताते रहेंगे कि जी ये मुझे आती है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, और उस एक आयत से हम खुद को आगे नहीं लेके जाते ताकि हम भी दुरुस्त हो जाएं। हम दूसरों को भी वहां तक ही दुरुस्त करना चाहते हैं जो हमें आता है। बेहतर है कि हम अपने चाल चलन को, अपनी सोच को, अपने ख्याल को, अपने ध्यान को मसीह की मानिंद बनाए। अगर हमारा चाल चलन दुरुस्त होगा तो हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, या कहना पड़ेगा, लोग हमारे किरदार से, हमारे बोलचाल से, हमारे उठने और बैठने से, हमारे गुफ्तगू शनीद से मसीह को देखेंगे। लेकिन आज हमारे बोलने चालने से, उठने बैठने से मसीह जाहिर नहीं होता, हमारे बातों से मसीह जाहिर नहीं होता, हमारे कामों से मसीह जाहिर नहीं होता। जरूरत इस बात की है कि हम और हमारी जिंदगी से मसीह जाहिर हो। लिखा है ऐ रियाकार अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकता है। पहले हमारा चाल चलन दुरुस्त होगा, पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, तो ही हम दूसरे पर गौर कर सकते हैं। एक गिलास अगर पानी हो और अगर उसे हिलाया जाए तो गिलास में से क्या गिरेगा? अगर हम खुदा के कलाम से, मसीह से भरे हुए हैं और अगर हमें शेक किया जाएगा तो हमारे अंदर से मसीह ही नजर आएगा, मसीह ही निकलेगा। और अगर हम गुनाहों से भरे हुए हैं, अगर हम बुरे कामों से भरे हुए हैं, अगर हम गुनाह से भरे हुए हैं, अगर हम मुख्तलिफ एडिक्शंस में हैं, अगर हम शराब नोशी करते हैं, अगर हम किसी तरह का गुनाह करते हैं, अगर हम किसी तरह की सिगरेट नोशी करते हैं, तो हमारे अंदर से वैसी ही चीजें निकलेंगी। खुदा ये चाहता है आज हम इस बात पर गौर करें। सिर्फ हमें एक काम करना है, वो ये है कि अपने चाल चलन पर गौर करना, अपने चाल चलन को दुरुस्त करना है। कई दफा हमारे पास बहुत से पॉइंट्स होते हैं और हमारे पास बहुत सी आयात भी होती हैं अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को दुनिया से या मुख्तलिफ लोगों से बचाने के लिए। कई दफा पादरियां नहीं ऐसी सुना रहे होंगे, पर सब ये भी लिखा हुआ है, आप मुझे ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? बेहतर है कि हमारा चाल चलन, जैसे लास्ट संडे तस्नीम ने बताया, दो लोगों की बात की थी, एक था यूसुफ, उसने अपने चाल चलन को दुरुस्त रखा, और दूसरा दोनों सिलेक्टेड हैं, दोनों
खुदा के चुनीदा लोग हैं, लेकिन चाल चलन दोनों का मुख्तलिफ है। आज बेहतर है कि हम दूसरे की चाल चलन पर गौर करने से बेहतर अपने आप पर गौर करें, अपने आप पर ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं से गिर गया हूं, एक ओहदे से गिर गया हूं, या एक मकाम से मैं नीचे गिर गया हूं। जहां मुझे होना चाहिए था, क्या मैं वहां पे हूं या नहीं? क्या मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है? आज हम दूसरों पर गौर ना करें, बल्कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर मेडिटेशन करें, तब ही हम किसी और की गलती को दुरुस्त करने वाले होंगे। जी, पहला पत्रस पढ़ दीजिएगा इसको जरा। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। आमीन। किसके नक्शे कदम पर? किसके नक्शे कदम पर? भाइयों, किसके नक्शे कदम पर? आज हम ऐसे ऐसे नक्शे कदम पर हैं कि हम उसको चर्च में बयान नहीं कर सकते। हमारे जो टारगेट्स हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, वो बहुत ही मुख्तलिफ हो चुके हैं, जो कि मसीह की खुशखबरी के मुआफिक नहीं है। हमारी बातें जो हैं वो मसीह की खुशखबरी के मुआफिक नहीं है, हालांकि हम बुलाए किस लिए गए हैं? मसीह के लिए बुलाए गए, ताकि हम उसके नक्शे कदम पर बुलाए इसलिए गए हैं। लिखा है, रसूल कहता है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो कि उसके नक्शे कदम पर चलो। और हम कैसे चल रहे हैं? हाँ जी, उल्ट चलते हैं। जी, जबरदस्त। हम इसके बरअक्स चलते हैं। हम हर वो काम करना चाहते हैं जिसमें हमारी बेहतरी है। हम वो काम नहीं करना चाहते जिसमें मसीह के बदन की बेहतरी है। हम वो काम करना चाहते हैं जिसमें हमें प्लेजर मिलता है। हम वो काम नहीं करना चाहते जिसमें मसीह यीशु को जलाल मिलता है। सो अगर हम ऐसा करते हैं, तो क्या हम अपने चाल चलन को दुरुस्त रखे हुए हैं? हरगिज नहीं। हमें हर वो काम करना है जिससे यीशु मसीह को जलाल मिले। अगर हमारी जिंदगियों से, हमारी बातों से, हमारे ख्यालात से, हमारी सोचों से मसीह को जलाल नहीं मिलता, अगर हमारे कामों से मसीह को जलाल नहीं मिलता, तो आज वक्त है कि हम मेडिटेशन करें, हम गौर करें कि हमारा चाल चलन दुरुस्त है या नहीं। सो हम इसलिए बुलाए गए हैं कि जैसे मसीह ने हमारे वास्ते दुख उठाकर हमें नमूना दिया है, उसी तरह हम भी उसी के नक्शे कदम पर चले। आज जहां दुख की बात आती है, जहां बात आती है किसी बात से इनकार की, वहां पे हम कहते हैं, जी ये तो बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, मुझे इनकार करना
या मुझे इनकार कर दिया गया है, ये तो अच्छा नहीं है। खुदावन के कलाम में मरकूम है हाँ की जगह हाँ और ना की जगह। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि हम दोनों पलड़ियां नू बराबर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम दुनिया में भी रहें और मसीह में भी रहें। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि कोई शख्स दो मालिकों की, कितने मालिकों की, या तो फिर हमें यीशु की तरफ होना होगा या फिर हमें दुनिया की तरफ होना होगा। अगर हम दुनिया के हैं तो फिर हमें दुनिया के अंदर, हम दुनिया के अंदर ही भड़ेंगे। और अगर हम यीशु के हैं तो फिर हम दुनिया की बातें नहीं कर सकते, फिर हमें यीशु में ही भड़ने की ज़रूरत है और यीशु में ही ग्रो करने की ज़रूरत है, तब ही हम अपने चाल चलन को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दुनिया में और यीशु में दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, दोनों ट्रैक्स को साथ लेके चलना चाहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। एक वक्त आएगा हम गिर जाएंगे, एक वक्त आएगा हम उठ नहीं पाएंगे। बेहतर है कि हम अपने चाल चलन को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को मसीह के नक्शे कदम के मुताबिक ढालना शुरू करें, तब ही हमारा चाल चलन दुरुस्त होगा। आमीन। जी फिलिपियों 2:4 पढ़ दीजिए। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। जी यीशु मसीह का मिजाज बहुत गुस्से वाला था। यीशु मसीह के पास जो भी आता था उसके साथ वो लड़ाई करते थे, और यीशु मसीह के पास जो भी आता था उसे मारते थे। ऐसे है आज साढ़े नाल कैसा है? हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम कैसे लोग हैं जी? हम यीशु मसीह के लोग हैं, लेकिन हम कैसे लोग हैं? उसके ऑपोजिट हैं। हमारा मिजाज यीशु मसीह की मानिंद है ही नहीं। हमारी बातें जो हैं वो यीशु मसीह की मानिंद है ही नहीं। हम यीशु मसीह की मानिंद बनना चाहते ही नहीं। निजात याफ्ता हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, गुनाहों का इकरार कर चुके हैं, लेकिन जहां बात आती है यीशु मसीह जैसा होने की, ये मुमकिन नहीं है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा जैसा हमारा मिजाज यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हर एक बात से बालातर, हर एक सोच से बालातर यीशु मसीह की मानिंद। दुनिया की बातों को निग्लेक्ट करते हुए, दुनिया के ख्यालों से बाहर निकलते हुए, दुनिया के कामों को छोड़ते हुए, दुनिया के ख्यालों से निकलते हुए हमारा मिजाज मसीह जैसा होना चाहिए, तब हमारा चाल चलन दुरुस्त होगा और हम किसकी मानिंद बन जाएंगे। हमारा टॉपिक था मसीह की मानिंद बनो। तो अगर हमारा मिजाज जो है वो मसीह जैसा नहीं है, तो हम मसीह जैसा बन सकते हैं? यीशु मसीह ने हर एक से मोहब्बत की है। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के प्लान्स को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। आज मसीह के बदन को तबाह करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता, हम खुद ही तैयार हो जाते हैं।
अपने ख्यालात को मसीह की तरह ढालने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ दिस के किसी दूसरे पर ब्लेम करें जैसे आदम और हवा ने किया, इंस्टेड ऑफ दिस कि हम दूसरे को पॉइंट आउट करें कि उसकी वजह से मैंने ये किया और उसकी वजह से मैंने ये किया, हम अगर अपने मिजाज को दुरुस्त कर लेंगे तो सब चीजें स्मूथ चलेंगी, सब चीजें आसान हो जाएंगी, सब चीजें हमारे लिए इंतहाई मेहरबान हो जाएंगी। यीशु मसीह की मानित बनने की जरूरत है, यीशु जैसा मिजाज रखने की जरूरत है। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, वक्त कम है, हम आगे बढ़ेंगे। चंद लम्हात हैं, आप दुआ कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और दुआ कीजिएगा, कहें आई खुदावन मुझे अपने जैसा बना, मुझे अपने जैसा होने का फजल अनायत कर दे, मेरी सोचों को मेरे ख्यालों को तू पाक कर दे, ताकि मेरा उठना बैठना बोलना चालना मेरा चाल चलन आए खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक हो जाए, तेरी खुशखबरी के मुआफिक हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हर बार हम इस बात को देखते हैं, कलाम में लिखा है, पहले अपने आप को हर कोई जांचे और फिर खुदा के बदन में शरीक हो। हालेलुया। मसीह की मानित बनने की जरूरत है ताकि हम उसके बदन में उसके खून में शरीक हो सके। दुआ यह हालत में रहें, हम सब पाक कुशा में शरीक होने वाले हैं।